हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। पार्थ, इन्हीं खंडहरों में तुम्हारे पूर्वजों ने एक भव्य नगर बसाया था। कल्पना करो, उस काल में उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। मधुसूदन, इस कार्य में अवश्य दैवी शक्तियों ने सहायता की होगी। सो तो आज भी संभव है। अर्थात? अर्थात ये कि जब भी कोई जीव दृढ़ संकल्प होकर एक दृढ़ विश्वास के साथ किसी भी काम का बीड़ा उठाता है, तो दैवी शक्तियों को उसकी सहायता के लिए स्वयं ही आना पड़ता है। यही कर्म का दैवी विधान है अर्जुन। लो, ये है तुम्हारा खांडव प्रस्थ। मधुसूदन, हाँ, यहां तो केवल जंगल और खंडहर ही है। इन जंगलों और खंडहरों में राजधानी का निर्माण कैसे संभव है? मनुष्य के दृढ़ निश्चय के आगे कुछ भी असंभव नहीं रहता। पार्थ, पार्थ, इन्हीं खंडहरों में तुम्हारे पूर्वजों ने एक भव्य नगर बसाया था। इस कार्य में अवश्य दैवी शक्तियों ने सहायता की होगी। सो तो आज भी संभव है। अर्थात जब भी कोई जीव दृढ़ संकल्प होकर एक दृढ़ विश्वास के साथ किसी भी काम का बीड़ा उठाता है, तो दैवी शक्तियों को उसकी सहायता के लिए स्वयं ही आना पड़ता है। यही कर्म का दैवी विधान है अर्जुन। मैं देव शिल्पी विश्वकर्मा का आवाहन करता हूं। हे प्रभु, विश्वकर्मा का प्रणाम स्वीकार करें। आज्ञा करें देव। अब आपको इसी वन प्रांत में पांडवों के लिए एक भव्य राजधानी का निर्माण करना है। भगवान, उसके लिए मेरी क्या आवश्यकता है? दानवों का राजा मैं दानव, मेरा मित्र है वो दैत्य शिल्पी भी है। पूर्व काल में ये खांडव प्रस्थ नगर उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। वे इस भूमि के चप्पे चप्पे से परिचित हैं प्रभु। तो आप शीघ्र उसका आह्वान करें। हमें अति शीघ्र एक वैभवशाली राजधानी चाहिए। जैसी प्रभु की आज्ञा। मुझे क्यों स्मरण किया मित्र? मुझे भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए इसी स्थान पर एक राजधानी बनाने का आदेश दिया है। आह, आज मैं कितना भाग्यशाली हूं कि सहज में ही प्रभु के दर्शन मुझे मिल गए। आपके पुण्यों का उदय हुआ है। आपने पहले भी इस नगर का निर्माण किया था। आप इसकी संरचना से पूरी तरह परिचित हैं। निश्चय ही, खांडव प्रस्थ के अनेक रहस्यों से मैं परिचित हूँ। निश्चय ही दानवराज, मैं यहाँ की भूमि में छिपी अनेक बातों को जानते हैं। वास्तव में इस खंडहर के नीचे दैत्य वंश का बहुत बड़ा खजाना छुपा कर रखा गया था। तो आपको उस स्थान का पता है जहाँ वो खजाना छुपाया गया था? जी। तो हमें भी वहाँ ले चलिए। परंतु मैं एक सीमा तक ही जा सकता हूँ। वो क्यों? क्योंकि उस खजाने की रक्षा तक्षक नाग करते हैं। कोई बात नहीं, आप चलिए। तो आइए। यहाँ से नागराज तक्षक का पहरा आरंभ हो जाता है। इन सीढ़ियों पर पांव रखते ही नागराज प्रकट हो जाएंगे। क्या सच? जी हाँ। तो मैं सीढ़ियों पर पांव रखता हूँ। आपकी ये मुस्कान मुझे संदेह में डाल रही है प्रभु। आप अगर आज्ञा दें तो मैं नागराज को उनके परिवार सहित यमलोक पहुंचा दूं। नागराज ने तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाई, और किसी भी प्राणी को बिना अपराध मारना उचित नहीं। तुम उनसे मार्ग छोड़ने की प्रार्थना करो अर्जुन। हे नागराज, हमें आगे का मार्ग चाहिए। आप हमारा आगे का मार्ग छोड़ दें। अर्जुन,
नागराज तक्षक नागों के राजा हैं और देवराज इंद्र के परम मित्र भी। इसीलिए वे देवेंद्र के अतिरिक्त और किसी की बात नहीं मान सकते। अच्छा, तो आप इसीलिए मुस्कुरा रहे थे देवकी नंदन। हाँ, मैं जानता हूँ नागराज तक्षक चाहते तो तुम पर आघात कर सकते थे पार्थ, परंतु जानते हो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? इसलिए कि उन्हें तुम्हारी छवि में देवराज इंद्र की छवि दिखाई दे रही थी। ऐसा क्यों है मधुसूदन? क्योंकि कुंती बुआ ने देवराज इंद्र के आशीर्वाद से ही तुम्हें प्राप्त किया था, इसलिए देवराज इंद्र तुम्हारे धर्म पिता भी हैं। तो प्रभु, अब इंद्रदेव का आवाहन कीजिए ताकि आगे का मार्ग निष्कंटक हो सके। तुम ठीक कहते हो देवशिल्पी। भगवान के श्री चरणों में सेवक इंद्र का प्रणाम स्वीकार हो। मृत्यु लोक में मेरे स्मरण का कारण प्रभु। देवराज, पहले अपने पुत्र अर्जुन का प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम धर्मपिता। आयुष्मान भव, यशस्वी भव। देवराज, आप तो जानते ही होंगे कौरव राज्य का बंटवारा हो गया है। बंटवारे में पांडवों की भागीदारी में यही क्षेत्र आया है जिसका इन्हें नए सिरे से निर्माण करना होगा, और फिर राज्य के संचालन में तो बहुत धन की आवश्यकता होगी। सो दानवराज की सहायता से हम उस प्राचीन खजाने की खोज में निकले हैं, परंतु आपके नागराज तक्षक ने हमारा मार्ग रोक रखा है। मित्र तक्षक, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, इन्हें प्रणाम करो। अब मेरी प्रार्थना है मित्र, तुम ये स्थान छोड़ दो और पांडु पुत्रों के सहायक बनो। तुम अपने परिवार सहित कुरुक्षेत्र में जाकर निवास करो, वो स्थान सुरक्षित है। लीजिए प्रभु, यह सारा खजाना आपका है। देवराज, आपकी सहायता का हम आभार प्रकट करते हैं। भविष्य में इस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ होगा। यह कहकर आपने जो मुझे सम्मान दिया है उसके लिए मैं कैसे कृतज्ञता प्रकट करूं? हाँ, इतना अवश्य कह सकता हूं कि पांडवों के राज्य में खूब वर्षा करके इसे सदैव धन धान्य से भरपूर रखूंगा। आपकी सहायता से तो इंद्रप्रस्थ आर्यावर्त के सभी राज्यों से अधिक धनवान हो जाएगा देवराज। अर्जुन, अपने धर्म पिता का आभार मानो। पांडुकुल सदा आपका आभारी रहेगा तात। ये मेरा कर्तव्य था पुत्र। और हाँ महाराज, मैं आज्ञा देवराज। आप पांडवों के राज्य में एक ऐसी सभा का निर्माण करें जो मेरे सुधर्मा सभा से भी श्रेष्ठ हो। आज्ञा शिरोधार्य है देवराज। अब आप लोग निष्कंटक होकर आगे जाएं, अब कोई बाधा नहीं होगी। भगवान, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। आइए प्रभु,